हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे राजस्थान अनलॉक थर्ड के गाइडलाइन के साथ साथ स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर लाइब्रेरीज खोलने को लेकर आई बड़ी अपडेट के बारे में। जी दोस्तों, स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर लाइब्रेरीज और दोस्तों कल से 28 जून से राजस्थान के अंदर अनलॉक थर्ड की गाइडलाइन कल 5 बजे से पूरी तरीके से प्रभावी हो जाएगी। और दोस्तों, इस गाइडलाइन के अंदर क्या कुछ छूट मिली वो मैंने आपको बताया था गाइडलाइन के बारे में। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो में बताया कि क्या कुछ कितनी छूट मिली है, किन चीज़ों को छूट मिली है। और दोस्तों, पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल को लेकर भी यहाँ पर दोस्तों गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो गाइस, दोनों वीडियो चैनल पर अपलोड है, देखिए आप। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पर बाजार खुलने के समय को लेकर और दोस्तों वीकेंड कर्फ्यू को लेकर क्या कुछ कहा गया है। सो गाइस, इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी। साथ दोस्तों, स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर खोलने को लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया उसके बारे में भी हम जानकारी इस वीडियो में देने वाले। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कोचिंग सेंटर लाइब्रेरीज के बारे में क्या कुछ कहा है। सो गाइस, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक मीडिया रिपोर्टर्स को बयान देते हुए कहा है कि अभी तक दोस्तों डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं राजस्थान के अंदर। हालांकि दोस्तों यहां पर कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अनलॉक भी हो रहा है इसी के साथ, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं, यानी धीरे धीरे एक दो केसेज आ रहे हैं। सो गाइस, राजस्थान सरकार ने इसको लेकर कहा है कि अभी तक स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बिल्कुल राजस्थान सरकार सहमत नहीं है, क्योंकि दोस्तों तीसरी लहर का खतरा अभी तक टला नहीं है। इसको लेकर दोस्तों सरकार अभी भी चिंतित है। सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर कुछ नहीं कहा है। वहीं दोस्तों, लाइब्रेरीज कोचिंग सेंटर खोलने को लेकर सरकार ने कहा है कि इसको लेकर 1 जुलाई को फैसला दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई को स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर लाइब्रेरीज खोले जा सकते हैं, इसके बारे में फैसला किया जाएगा। और दोस्तों, एलन करियर कोटा इंस्टीट्यूट के जो बहुत सारे दोस्तों छात्र हैं वो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि अब स्कूल जो कोचिंग सेंटर है वो खोल दिए जाएँ, ताकि हमारे आगे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसको लेकर हम तैयारी कर सकें। इसको लेकर दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है वो भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब दोस्तों दूसरी अपडेट की बात करते हैं वीकेंड कर्फ्यू को लेकर। सो गाइस, वीकेंड कर्फ्यू के अंदर जो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू कब तक लागू किया जा सकता है। सो गाइस, वीकेंड कर्फ्यू रविवार को लागू रहेगा, यानी दोस्तों शनिवार 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसके अंदर दोस्तों बाज़ार पूरी तरीके से बंद रहेंगे और दोस्तों बसें भी बंद की जा सकती है। सो अगर इसको लेकर अब क्या कहना, आपका वीकेंड कर्फ्यू लागू रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद गए दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो शादी समारोह को लेकर 1 जुलाई से पूरी तरीके से 40 व्यक्तियों की अनुमति के साथ छूट दे दी गई है, जिसमें दोस्तों 10 व्यक्ति बैंड बाजा को होंगे और 25 व्यक्ति दोस्तों अतिथि होंगे उस परिवार के, और उस परिवार के खुद सदस्य होंगे, और दोस्तों 5 अन्य व्यक्ति इसके अंदर उन जो शामिल किए गए हैं। सो गाइस, आप इसको देख सकते हैं, मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था। दोस्तों 1 जुलाई से 40 व्यक्तियों की अनुमति के साथ शादी समारोह आयोजित किए जा सकेंगे, इसकी सूचना आपको एक पोर्टल बताया गया, उस पोर्टल पर आपको देनी पड़ेगी। और दोस्तों अभी तक यदि 30 जून तक शादी समारोह आयोजित किए जाते हैं तो इसको लेकर 11 व्यक्ति ही अनुमत रहेंगे। सो गाइस, ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, मैंने आप लोगों को जो भी अपडेट है वो आपको बता दी थी। अब दोस्तों यहाँ पर नाइट कर्फ्यू को लेकर किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया गया, इसका मतलब नाइट कर्फ्यू अभी तक लागू रहेगा। और दोस्तों बाजार खोलने का समय उन दुकानों के लिए बढ़ाया गया है जिन दुकानों के अंदर 60% कार्मिक के वैक्सीनेशन हो चुका है और जिनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 60% से मिल चुके हैं, उन लोगों को 3 घंटे और दुकानें खोलने का, यानी 6 से 7 बजे तक दुकानें खोलने का समय मिला गया है। दोस्तों 3 घंटे और समय बढ़ा दिया गया है। उसके बाद गए सिटी और मिनी बसों का यहाँ पर समय है, उसको भी 3 घंटे इंक्रीज़ किया गया, 5 से 8 बजे तक किया गया है। सो गए इसको लेकर मैंने आपको पहले भी बताया था कि समय को बढ़ाया जा सकता है, तो कैसे समय बढ़ा दिया गया। आप दोस्तों ये गाइडलाइन देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आई, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों कल से यानी सोमवार 5 बजे से यह गाइडलाइन पूरी तरीके से प्रभावी हो जाएगी, इस गाइडलाइन को लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइस, अनलॉक 4 कब होता है उसको लेकर भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। सो गाइस, आने वाली हर एक अपडेट जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ न्यूज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। सो गाइस, आपके जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।